नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी बीएड सेकंड ईयर और जनरल बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 5, जो बीएससी बीएड सेकंड ईयर की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर है और जनरल बीएससी सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर है। पेपर है आपका ऑप्टिक्स, जो थर्ड पेपर आता है। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वर्ण विवर्तन क्या होता है, अक्षीय वर्ण विवर्तन क्या होता है, पार्श्व वर्ण विवर्तन क्या होता है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि पहले हमने एक लेंस का प्रयोग किया था, उससे अक्षीय वर्ण विवर्तन भी हो रहा था, उससे पार्श्व वर्ण विवर्तन भी हो रहा था। तो क्या लेंसों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो वर्ण विवर्तन कम हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लेंस वो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें उत्तल लेंस भी हो सकता है, उसमें अवतल लेंस भी हो सकता है। ये हमें कंडीशन के हिसाब से पता लगेगा कि किस प्रकार के लेंसों को हम जोड़ें ताकि वर्ण विवर्तन का मान कम से कम हमारे पास हो जाए। तो टॉपिक है लेंसों का अवर्णक संयोजन। इस टॉपिक के अंदर हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस अपना ये रहेगा कि जब दो लेंसों को बिल्कुल टच में रखेंगे हम तो वर्ण विवर्तन किस प्रकार से कम होगा, और दूसरा केस हम ये पढ़ेंगे कि जब दो लेंसों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाए, यानी उनको आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रखा जाए, तब वर्ण विवर्तन है वो कितना आता है, कितना कम होता है। तो लेंसों का अवर्णक संयोजन यानी कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, कि संयोजित लेंस को वर्ण विवर्तन से मुक्त करने के लिए किया जाने वाला संयोजन लेंसों का अवर्णक संयोजन कहलाता है। यानी जो वर्ण विवर्तन को मुक्त करने के लिए आप दो लेंसों को ऐड कर रहे हैं या ज़्यादा लेंसों को ऐड कर रहे हैं, वो जो संयोजन है उस संयोजन को हम लेंसों का अवर्णक संयोजन कहते हैं, जिससे कि वर्ण विवर्तन कम से कम हो जाता है। यदि लेंसों के संयोजन में अक्षीय व पार्श्व वर्ण विवर्तन शून्य हो जाए, मान लीजिए आपने ऐसा संयोजन किया कि अक्षीय और पार्श्व जो वर्ण विवर्तन होते हैं वो अगर शून्य हो जाते हैं तो यह अवर्णकता आदर्श होती है। अब आदर्श का मतलब तो आप जानते हैं, कोई भी कंडीशन आदर्श नहीं हो सकती है। आदर्श का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा संयोजन जिससे कि न तो अक्षीय वर्ण विवर्तन बिल्कुल रहे न पार्श्व वर्ण विवर्तन बिल्कुल रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। वर्ण विवर्तन को आप कम कर सकते हैं लेकिन शून्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्ण विवर्तन को संयोजन से न्यूनतम किया जा सकता है, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते आप, उसको कम से कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर रहेगी दो कंडीशन। पहली कंडीशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब दो लेंस आपस में टच में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तब वर्ण विवर्तन कितना होता है, कितना कम होता है। और दूसरी कंडीशन हम ये पढ़ेंगे कि जब दो लेंसों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए तब आपका वर्ण विवर्तन जो है वो कितना कम हो पाता है। तो पहली कंडीशन है सहस्पर्शी समाक्ष पतले लेंसों का अवर्णक संयोजन, यानी जब दो लेंसों को एक ही अक्ष पर और कॉन्टैक्ट में रखा जाए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला, यानी कि लेंस निर्माता सूत्र जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा से 12th क्लास से ही, उसका हम प्रयोग करेंगे और ये सभी जगह प्रयोग होगा, काफ़ी आसान है। थोड़ा सा आपको समझना है और आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल डेरिवेशन आप याद कर सकते हैं और आपके पूरे ये सिस्टम जो है इसका समझ में आ जाएगा कि क्या है ये अवर्णक संयोजन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो अपना जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस के 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। r1 r2 आप जानते हैं वक्रता त्रिज्याएं हैं दोनों लेंसों की और म्यू यहाँ पे अपवर्तनांक को दिखाया गया है। यदि श्वेत प्रकाश के सीमांत तरंगों के लिए, अब ये सीमांत तरंग कौन से हैं, सीमांत तरंग एक होगा बैंगनी रंग और एक होगा आपका लाल रंग, यानी वॉयलेट और रेड कलर, बाकी रंग जो है उसके मध्य में आते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश जो है जब वर्ण विक्षेपण होता है तो 7 रंगों में टूटता है विबग्योर के हिसाब से आप जानते हैं, और विबग्योर के अंदर जो सीमांत रंग होते हैं जो बाउंड्री बनाते हैं बार वाली, एक वॉयलेट कलर के लिए होती है बाउंड्री और दूसरी होती है रेड कलर के लिए, बाकी कलर जो है उनके मध्य में आते हैं। रंगों के लिए लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में अंतर डी म्यू तथा फोकस दूरी में अंतर डी एफ हो तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर, अब देखिए अवकलन करने की आवश्यकता क्यों है ये भी हम चर्चा करेंगे, और ये अंतर हमने क्यों लिया फोकस दूरी का और अपवर्तनांक का, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है रंग की, यानी श्वेत प्रकाश से अलग रंग की बात हो रही है, और रंग के अंदर श्वेत प्रकाश से जब 7 रंग बनते हैं विबग्योर के हिसाब से तो उसमें 7 कलर में एक सीमांत रंग वॉयलेट आता है और एक आता है रेड, और आप जानते हैं कि जब यहाँ पे कलर की बात हो रही है
तो चाहे वो रेड कलर हो, चाहे वो वॉयलेट कलर हो, चाहे बाकी कलर हो, उनकी वेवलेंथ अलग होगी, उनकी फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग होगी, और उनके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग होता है। तो जब हम दो कलर की यहाँ पे बात करेंगे, सीमांत तरंग यानी कि एक वॉयलेट और रेड, तो उनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, यानी उनमें डिफरेंस होता है, तो वो हम डिफरेंस यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे अपवर्तनांक लेना है। और अगर उनकी वेवलेंथ अलग अलग है तो उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों रंगों के लिए अपवर्तनांक का अंतर हमने ले लिया डी म्यू, और उनकी फोकस दूरी भी अलग अलग होगी तो उसका अंतर ले लिया हमने डी एफ। तो ये डी म्यू और डी एफ का मान निकालने के लिए हमें समीकरण एक का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं उनका अवकलन हम यहाँ पे करेंगे, यानी उनके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो फोकस दूरी के रिस्पेक्ट में होगा और अपवर्तनांक म्यू के रिस्पेक्ट में होगा। तो समीकरण एक का अवकलन हम करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, वन अपॉन एफ का क्या बनेगा, वन अपॉन एफ स्क्वेयर, और माइनस लग जाएगा डी एफ आ जाएगा, ये एक्स की पावर एन के हिसाब से हमने कर लिया। और फिर था म्यू माइनस वन, तो वन तो कॉन्स्टेंट है तो म्यू का क्या होगा, डी म्यू, और आगे ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है एज इट इज रह जाएगी, इक्वेशन नंबर आ जाती है दो। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिससे कि अपने फोकस दूरी और म्यू के अंदर फॉर्मूला रह जाएगा। तो यहाँ से आप देखें वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू की वैल्यू क्या आएगी, एक बटा एफ और म्यू माइनस वन हम पक्षांतरण करके इसके गुणा में नीचे ले आएंगे, और वो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी ये वाले एक बटा एफ म्यू माइनस वन। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो हमारे पास समीकरण आ जाती है तीन, ये मान समीकरण दो में हमने पुट कर दिया, तो माइनस डी एफ बटे एफ स्क्वेयर बराबर डी म्यू बटे एफ म्यू माइनस के वन, ये समीकरण नंबर आ गई तीन। अब हमें क्या करना है, अब हमें डी म्यू का मान यहाँ पे रखना है, यानी जो अंतर है वो हमें यहाँ रखना है अपवर्तनांक का, और डी म्यू क्या था, अंतर था अपवर्तनांक का। अब ये म्यू वी माइनस म्यू आर मैंने लिखा है, अब मैं म्यू आर माइनस म्यू वी नहीं लिख सकता यहाँ पर, ये भी आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि रेड कलर के लिए वेवलेंथ होती है ज़्यादा और वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ होती है कम, लेकिन अपवर्तनांक अपोजिट होते हैं, रेड कलर के लिए अपवर्तनांक होगा कम और वॉयलेट के लिए होगा ज़्यादा, क्योंकि अपवर्तनांक और वेवलेंथ है अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉयलेट कलर के अपवर्तनांक में से रेड कलर का अपवर्तनांक घटाऊंगा और अपना अंतर डी म्यू का मान में ज्ञात कर लूंगा, ये वैल्यू मैं समीकरण तीन में पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा माइनस के डी एफ बटे एफ स्क्वेयर बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू माइनस वन डॉट वन अपॉन एफ यहाँ पे बचा हुआ है। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से, इतने स्टेप को, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू माइनस वन, ये फॉर्मूला किसका है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वर्ण विक्षेपण क्षमता का है। अगर ज़्यादा हम डिफाइन इसको करें तो यहाँ पे हम म्यू वाई लिख सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, माध्य रंग जो होता है पीला रंग उसकी अपवर्तनांक भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट ओमेगा में यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो हमारे पास समीकरण नंबर चार प्राप्त हो जाती है, माइनस डी एफ बटे एफ स्क्वेयर बराबर ओमेगा बटे एफ, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता के अंदर फॉर्मूला अपना आ जाता है। अब अपने डी एफ बटे एफ स्क्वेयर की वैल्यू भी ज्ञात करनी होगी, किसके पदों में, दो लेंस है अपने पास, उन दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हमें यहाँ पे लेके आनी पड़ेंगी और उन दोनों लेंसों की वर्ण विक्षेपण क्षमताएं भी हमें यहाँ पे लेके आनी पड़ेंगी। तो दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी क्या होती है, ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो पतले लेंसों को हम जोड़ते हैं तो उनकी फोकस दूरियां किस प्रकार से जुड़ती हैं, एक बटा एफ बराबर एक बटा एफ वन प्लस एक बटा एफ टू, समीकरण नंबर होगी पाँच। अब अपने इसकी वैल्यू पुट करने के लिए हमें अवकलन तो करना ही पड़ेगा, तो हम इस समीकरण पाँच का कर देते हैं अवकलन, तो देखिए क्या आता है, माइनस डी एफ बटे एफ स्क्वेयर बराबर माइनस डी एफ वन बटे एफ वन स्क्वेयर, ये एफ वन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये एफ टू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो दोनों में माइनस लग जाएगा अवकलन के साथ। अब देखें यहाँ माइनस लग चुका है और यहाँ से आप देखें तो माइनस के साथ माइनस डी एफ बटे एफ स्क्वेयर की वैल्यू थी डब्ल्यू बटे एफ, अगर मैं इसको माइनस डी एफ वन बटे एफ वन स्क्वेयर कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी उसी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा वन बटे एफ वन, और एफ टू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, ओमेगा टू बटे एफ टू। तो यहाँ से समीकरण चार से ये जो समीकरण आपकी है ये किसमें चेंज हो जाएगी, ये समीकरण आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमताओं में चेंज हो जाती है, यानी माइनस डी एफ बटे एफ स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, ये पद बन जाएगा ओमेगा वन बटे एफ वन प्लस ये पद बन जाएगा ओमेगा टू बटे एफ टू यदि संयोजन अवर्णक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है कि यदि संयोजन अवर्णक है, अब अवर्णक का मतलब क्या है,
वर्ण व्युत्पन्न है ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। अगर आपने जो संयोजन किया, ये तो आ गई कंडीशन, समीकरण नंबर 6 तो आ गई कंडीशन। अब इसमें एक वैल्यू हम पुट करेंगे कि यदि संयोजन अवर्णक है, यानी उसमें वर्ण व्युत्पन्न है ही नहीं, तो वर्ण व्युत्पन्न का मान तो वहां पे शून्य होगा। अगर ऐसा है तो श्वेत प्रकाश जो आ रहा है, वो श्वेत प्रकाश जब प्रतिबिंब बनाएगा तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल एक पॉइंट पे बनना चाहिए, और जितने भी कलर हैं उन सभी के प्रतिबिंब एक पॉइंट पे बनेंगे, कोई भी फोकस दूरी का अंतर नहीं होगा, कोई प्रतिबिंब की हाइट का अंतर नहीं होगा, तो इस वजह से वर्ण व्युत्पन्न बिल्कुल शून्य होगा। तो फोकस दूरियों का अंतर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? यदि संयोजन आपका अवर्णक है, सिर्फ तब ही, बाकी कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो यदि संयोजन अवर्णक है तो श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के लिए फोकस दूरियां एक ही बिंदु पर होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लॉजिक यही है। अर्थात df बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। अगर अवर्णक है तो जो अंतर है फोकस दूरियों का वो जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से अपना ये वाला जो स्टेप है वो तो जीरो हो जाएगा, df का मान जीरो रखते ही, और ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 हमारे पास आनी चाहिए। तो यहाँ से पक्षांतर जब हम करेंगे तो हम माइनस ओमेगा 1/f1 बराबर आएगा ओमेगा 2/f2, और यहाँ से हम फोकस दूरी को अलग कर लेते हैं, अनुपात ले लेते हैं, और वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात हम अलग ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या अनुपात आता है, f1/f2 बराबर माइनस ओमेगा 1/ω2। जब आप दो लेंसों को कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो वर्ण विपतन किस प्रकार से कम हो सकता है, ये उसका प्रतिबंध है। अब यहाँ पर जो माइनस का निशान है वो हमें क्या बता रहा है, देखिए ओमेगा 1 है एक लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा 2 है दूसरे लेंस की वर्ण विक्षेपण क्षमता, और उसी के पदों में इनकी फोकस दूरियां हैं। माइनस का निशान आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आप लेंस ले रहे हैं वो लेंस आपको विपरीत प्रकृति के लेने होंगे, अगर आप वर्ण विपतन को कम से कम करना चाहते हैं तो। अब विपरीत प्रकृति का मतलब, अगर आप एक उत्तल लेंस ले रहे हैं तो आपको दूसरा लेंस क्या लेना पड़ेगा, अवतल लेना पड़ेगा, तो वर्ण विपतन यहाँ पर कम से कम होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि दोनों लेंसों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, अर्थात एक उत्तल लेंस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। यानी इस प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए f1 और ओमेगा 1 लिया गया है और अवतल लेंस के लिए f2 और ओमेगा 2 लिया गया है, और इस प्रकार से आप लेंसों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से वर्ण विपतन जो है वो कम से कम हम कर सकते हैं। तो इनमें तो दोनों लेंस जो है आपस में कॉन्टैक्ट में है, लेकिन आगे जो हम कंडीशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि दोनों लेंस जब अलग अलग होते हैं अक्ष के ऊपर तो वर्ण विपतन की कंडीशन क्या आती है, कम से कम करने के लिए क्या कंडीशन अपने पास होनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।